ओके फाइन, मुझसे ये वाला एडजस्टमेंट पूछा गया है। गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 वर सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और ऑन रिटर्न। सेल और रिटर्न होना चाहिए, ऑन रिटर्न ही होना चाहिए और होना चाहिए, यहाँ पे मैंने ऑन लिखा हुआ है। मतलब एक कस्टमर ले गया कि घर पे हम दिखाएंगे। हाँ जैसे तुम गई किसी दुकान पे, तुम्हें कोई ड्रेस पसंद आई और दुकानदार से तुमने कहा कि मैं घर पे मम्मी को दिखाऊंगी, पसंद आएगा तो रख लेंगे नहीं तो वापस कर देंगे आपको। इसको कहते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। अगर आपने रख लिया तो सेल होगी, वापस कर दिया तो रिटर्न हो गया। तो दोनों बेसिस पे आप लेके गए। वो उसकी कॉस्टिंग दुकानदार के लिए 1200 की थी, उसने आपको 1400 में दी थी। कब दी थी? 30 मार्च को, और 31 मार्च को बुक्स क्लोज करना अगले दिन। लेकिन आपने 2 दिन का टाइम ले लिया, मतलब 31 मार्च तक कस्टमर दुकानदार के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि अनवी कोटवाल ने वो ड्रेस रखी है कि नहीं रखी। लेकिन वो ड्रेस उसके यहाँ गई हुई है, हमारे यहाँ नहीं है दुकान पे। लेकिन अनवी कोटवाल का भी जवाब नहीं आया 31 मार्च तक। लेकिन उस दुकानदार ने क्या किया, उसको सेल मान लिया है। अकाउंटिंग कहती है अभी तो सेल हुई नहीं है, हो सकता है अनवी कोटवाल उसको वापस कर दे, अप्रूवल पे गई है ना। या तो देखो सेल होकर रिटर्न आया वो अलग चीज है, यहाँ पे सेल रिटर्न नहीं वाली क्वेश्चन ही नहीं, ये तो अप्रूवल पे। अभी सेल खरीदी ही नहीं है, वो तो बोले कि पसंद आएगा तो खरीदेंगे नहीं तो वापस कर देंगे, अप्रूवल पे है वो, इट इज नॉट अ सेल। तो वो तो सेल तो है ही नहीं, लेकिन उसको सेल मान लिया गया। तो जब उसको सेल माना गया होगा तो अनवी बताओ उसकी एंट्री क्या की गई होगी, जब सेल मान लिया उसको, अप्रूवल। इसको कहते हैं अप्रूवल सेल भी कहते हैं। अप्रूवल सेल को जब एक्चुअल सेल मान लिया तो एक्चुअल सेल मानने के बाद उसकी एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स अकाउंट, जब तुमने कैश दे दिया तो तुमने खरीद लिया ना, तुम अप्रूवल पे लेके गई हो, तुमने खरीदा नहीं है अभी उसको। जब कैश दे दोगी तो फिर मतलब क्या, इसका मतलब खरीद ही लिया फिर, और क्या। कैश कब देता है आदमी, जब खरीद लेता था। अप्रूवल पे कैश थोड़ी देता है, तुम किसी का दुकान पे पसंद करके लाई कि हम पसंद आएगा तो रखेंगे, उसको अप्रूवल नहीं कहेंगे। अप्रूवल का मतलब है पैसे नहीं दिए, अब ये मान के चलना, समझ गया, ऐसा मानना है। हो सकता है रियल लाइफ में आप सही कह रहे हो, रियल लाइफ में ऐसा होगा दुकानदार कहेगा बिना पैसे दे जाइए नहीं तो हम रिफंड कर देंगे, कोई बात नहीं, मत लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंसी में जब अप्रूवल सेल्स की बात हो रही है तो आपको उसको क्रेडिट सेल मानना है, ठीक है। यस सर। अप्रूवल सेल मतलब उधार में, तो आपने उसको डेटर्स टू सेल कर लिया। लेकिन ये सेल हुई है क्या? नहीं हुई, ये तो सेल हुई नहीं, अभी तो अप्रूवल पे है। तो आपको इसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। फाइनल अकाउंट्स बनाते सर, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से? 1400। तो पहला इसका इफेक्ट ये होगा कि बैलेंस शीट में डेटर्स में से 1400 माइनस होगा और ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स में से 1400 माइनस होगा। पहला तो एडजस्टमेंट ये होगा। इसके अंदर किसी को डाउट है तो पूछिएगा इसे। अभी ये सेल अप्रूवल पर थी, हमारी सेल थी ही नहीं, हमने उसको एक्चुअल में सेल मान लिया, लेकिन ये तो अप्रूवल पे था। तो हमने जब एक्चुअल सेल मान लिया है तो हम इसकी उल्टी एंट्री करेंगे। उल्टी एंट्री हम क्या करेंगे, सेल्स में से कम कर देंगे और डेटर्स में से कम कर देंगे। बताइए समझ में आया ये पॉइंट यहाँ तक? यस सर। अब सवाल उठता है कि जो माल बिका ही नहीं वो फिर हमारे क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए था, लेकिन ये तो कपड़ा अनवी कोटवाल के घर पर पड़ा हुआ है। तो जब हमने 31 मार्च को स्टॉक लिया होगा, 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग माने दुकान में जितना सामान है उसकी जो टोटल लगाया होगा, तो 31 मार्च को जब हमने स्टॉक टेकिंग की होगी तो क्या ये कपड़ा हमारे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा। नहीं आया होगा क्योंकि हमारी दुकान पे ही नहीं है। स्टॉक टेकिंग कैसे होती है बिजनेस के अंदर, हम अपनी शॉप में एक्चुअल में जो गुड्स हैं उसको गिन देखते, तो एक्चुअल में तो है ही नहीं हमारी दुकान पे, ये तो अनवी के घर पे पड़ा हुआ है, तो हमने तो स्टॉक में तो लिया ही नहीं होगा। और हमने इसलिए भी नहीं लिया होगा, हमने तो उसको एक्चुअल सेल मान लिया ना, हमने तो मान लिया कि बेच दिया अपन ने, लेकिन बिका तो था नहीं वो, तो हमने जब उसको बेचा हुआ मान लिया तो स्टॉक में तो वैसे भी नहीं लेंगे। तो ये अप्रूवल सेल्स थी, हमने एक्चुअल सेल मान ली तो हमने सेल्स में से तो कम कर दिया, सेल्स को रिवर्स कर दिया, सेल्स में से घटा दिया, डेटर्स में से घटा दिया। लेकिन स्टॉक टेकिंग जब हम करेंगे, स्टॉक टेकिंग में जब बिका नहीं तो स्टॉक में होना चाहिए था, लेकिन स्टॉक में भी नहीं है। तो अब हमें इसका दूसरा इफेक्ट यह है
कि अगर क्वेश्चन के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उस क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, मान लीजिए 16,000 रुपए दे रखें, इसके नीचे आप ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कहां पे? बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी, दोनों जगह, दोनों जगह अप्रूवल कितना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। तो अब आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू हो गई 17,200, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं, एक सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से माइनस, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, कहां? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों जगह। एक्चुअल में हमारा स्टॉक 17,200 है, क्यों? क्योंकि 1200 का स्टॉक तो एक कस्टमर के घर पर पड़ा हुआ है। इसी ढंग से, अच्छा ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पता ही, ऐसे हो गए। इसका मतलब ये है, ये ट्रीटमेंट आपको करना है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, नो सर। अब मैं मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि ऐसा जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक में अप्रूवल सेल्स ऐड किया, ऐसा और कोई एडजस्टमेंट याद आ रहा है आपको जिसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड करते हैं कोई चीज, हमें कोई एडजस्टमेंट ऐसा याद आ रहा है आपको? कि सिर्फ ऐसा यही एडजस्टमेंट है जो कि ऐसा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होता है, या इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट भी हो सकता है? एक और एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट भी इसी से मिलता जुलता है, मिलता जुलता है मतलब बिल्कुल अलग है। वैसे तो हमने गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज, और हमने उसकी परचेजेस की एंट्री भी कर दी, मतलब हमारे गुड्स स्टॉक परचेज में आ गए, लेकिन अभी भी गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स आर इन ट्रांजिट, रस्ते में, 31 मार्च तक वो रस्ते में थे, पहुंचे ही नहीं थे हमारे यहाँ। तो जब 31 मार्च को जब मैं स्टॉक लूंगा तो उसमें आएंगे ही नहीं वो, जबकि खरीदे में है ना, तो आना चाहिए ना, जब खरीदे में रस्ते में तो बेचे तो है ही नहीं अपन। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब आप प्रॉफिट लॉस निकालते हैं सही से, तो आपने के पास जो परचेजेस है, परचेज किया हुआ सामान या तो आपकी सेल्स के अंदर हिस्सा होना चाहिए या वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो सेल्स में भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं है, तो हमारे किसी काम का, भाई क्लोजिंग स्टॉक में हो या फिर सेल्स में हो, सीधी सी बात, दोनों में से एक में तो होना चाहिए, परचेज किया हुआ है, या तो बिक जाए या फिर क्लोजिंग स्टॉक में हो। बिकॉज आप सुनिएगा, हम जो गुड्स चैरिटी पे देते हैं, दान पे, वो ना बिकते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक पे होते हैं। जो गुड्स जल जाते हैं, लॉस हो जाता है फायर से या थेफ्ट वाले या फायर वाले, वो ना क्लोजिंग स्टॉक में होते हैं ना सेल्स में होते हैं। अगर ओनर ने निकाल लिए बिजनेस में से, ना वो क्लोजिंग स्टॉक में होते हैं ना सेल्स में होते हैं। अगर कुछ गुड्स हमने अपने खुद में यूज कर लिए, मान लीजिए हमारा लकड़ी का काम है, हमने लकड़ी खरीदते हैं परचेज में, और कुछ लकड़ी हमने खुद के ऑफिस के लिए फर्नीचर बनवा दी, तो फर्नीचर में यूज आ गई। हमने हमारा कुछ सामान, हमारे जो स्टाफ है वो सैलरी में लेगा, उन्होंने कहा कि भाई कैश की बजाय हमें सामान दे दी, तो हमने सैलरी अकाउंट डेबिट करके दे दिया उसको। इन सारे क्वेश्चंस के हमने फ्री सैंपल्स बांटे, इन सारे केसेस में हमारे गुड्स ना तो बिके हैं और ना ही वो क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए हम इनको परचेजेस में से माइनस कर देते हैं, हम परचेजेस में से ही घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि परचेज का हिस्सा जो भी परचेज है तो बिकना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट सही आएगा, ना बेचा ना क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो एक हम एंट्री, जनरल एंट्री आपको रटाई गई है, सिखाई गई है, जो मैंने भी रटाई सिखाई, जो भी कहे, मैंने आपसे कहा अगर हमने अपने गुड्स फर्नीचर बनाने में यूज कर लिए तो एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमने फ्री सैंपल्स बांट दिए तो एंट्री क्या करेंगे, फ्री सैंपल्स डेबिट। हमने सैलरी में दे दिए तो एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। हमने बिल्डिंग बनाने में यूज कर लिए तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओनर घर ले गया तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या हुआ, जल गए तो लॉस बाय फायर,
अकाउंट डेबिट, और अगर चोरी हो गए तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लेकिन इन सभी केसेस में हम क्रेडिट किसको करते हैं? परचेजेस को, परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। आपको ये सिखाया गया और मैंने उसमें सिखाते हुए तो ये कहा था कि भाई और क्या गुड्स अकाउंट होता नहीं है। मैंने तो उस समय आपको यही कहा कि गुड्स अकाउंट होता नहीं, या तो हमारे पास पांच तरह के गुड्स के अकाउंट होते हैं, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। सेल्स ले नहीं सकते, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न है ही नहीं, ये स्टॉक भी नहीं है, तो परचेज क्रेडिट कर, क्योंकि उस समय मैं समझाता क्या। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम परचेज अकाउंट क्रेडिट करते क्यों है, परचेजेस कम कर देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इन सब, जब गुड्स इन सब किसी काम में जाता है तो वो ना हमारी सेल्स है ना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, हम परचेजेस में इसी घटा देते, तभी तो हमारा प्रॉफिट सही आएगा, नहीं तो प्रॉफिट सही नहीं आएगा, प्रॉफिट सही नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हम सही नहीं निकाल पाए। भाई जो गुड्स खरीदे उसका काम क्या है, बिकना चाहिए या क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। इसीलिए जो गुड्स हमने खरीद तो लिए लेकिन अभी रास्ते में है, भाई पहुंचे ही नहीं है हमारे गोडाउन में, ट्रेन में पड़े हुए, ट्रांसपोर्ट में पड़े हुए, अभी रेलवे से आने हैं, ट्रेन से आने नहीं आए हमारे पास, रस्ते में पड़े, दूर से आ रहे, तो भाई वो तो क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे नहीं क्योंकि रस्ते में है, परचेज में तो आ गए क्योंकि वो बिल आ गया था हमारे पास ईमेल से, व्हाट्सएप से भेज दिया उसने, ये बिल खत्म, ये पेमेंट आप, ये सामान आपका भेज दिया गया है यहाँ से, और रस्ते में स्ट्राइक हो गई ट्रांसपोर्ट वालों की, वो माल हमारा बंबई से आ रहा था नासिक तक पहुंचा और स्ट्राइक, खड़ा है ट्रक वहां पे रस्ते, 3 दिन हो गए सब ट्रक खड़ा है, बिल आ गया था, तो हमने कहा माल खरीद लिया, हमने एंट्री कर दी, खरीदी की परचेज बुक में एंट्री कर दी, हम परचेज बुक में एंट्री कर दी मतलब परचेज की एंट्री कर दी, लेकिन माल तो रस्ते में पड़ा हुआ अभी पहुंचा ही नहीं, क्या करें, पहुंचा नहीं, तो जब हमने 31 तारीख को अपने गोडाउन में अपनी दुकान पे जब एक एक सामान को देखा और उसकी लिस्ट बनाई, जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली, इसको स्टॉक टेकिंग कहते हैं, स्टॉक लिया तो उसके अंदर वो सामान आएगा ही नहीं क्योंकि रस्ते में, अब क्या करें, तो परचेज में तो आ गया। अच्छा एक काम तरीका ये, परचेज में से उड़ा दो, जैसे अभी हमने सेल्स को उड़ाया, अप्रूवल सेल्स थी, अप्रूवल पे ले गई थी माल कि भाई पसंद आएगा तो रखेंगे, हमने उसको एक्चुअल सेल मान लिया था, हम या तो उसको कर, लेकिन हम वापस क्यों करें, रिटर्न तो हमने, हमने गुड्स खरीदे तो है, ये बात तो पक्की है, वो तो अप्रूवल सेल्स थी, एक्चुअल सेल मान लिया इसलिए हमने एक्चुअल सेल्स घटा दी, लेकिन ये तो गुड्स खरीदे हैं भाई, 100% खरीदे, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, तो खरीदे हुए गुड्स हैं हमारे, तो खरीदने की एंट्री तो करनी पड़ेगी, तो हमने कर दी, तो खरीदने की उल्टी एंट्री करने की बजाय हम उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे, हम मान लेंगे हाँ खरीद ही लिया, ठीक है खरीद लिया, खरीदने की एंट्री की तो खरीद, तो भाई खरीद लिया तो स्टॉक में तो लो, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम इसका सिर्फ एक ही एंट्री, और कोई एंट्री नहीं होगी, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम इसको गुड्स इन ट्रांजिट करके जोड़ देते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट कहां कहां, दोनों जगह, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग में, गुड्स इन ट्रांजिट रस्ते में गुड्स जोड़ देंगे। कुछ लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से दिखाते, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा मान लिया, कुछ लोग इसकी एंट्री करते हैं गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यस सर, वो भी कर, वो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको अलग से दिखा दे, चलेगा चलेगा, चलो डन। अब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब गुड्स आ जाएंगे तब क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट। कुछ लोग इसकी एंट्री ये भी कर देते, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट परचेज में से कम कर देते, सिर्फ परचेज में से कम, क्या है क्रेडिटर में से कम नहीं किया, हमने जब गुड्स खरीदे थे तो हमने पूरी एंट्री किया है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ना, परचेज टू क्रेडिटर ये एंट्री की, तो हमने परचेज में से कम किया है, क्रेडिटर में से कम नहीं किया क्योंकि माल तो खरीद ही लिया है, और जब ये आ जाएगा तो उल्टी एंट्री कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट। लेकिन मैं इन दोनों एंट्री को उतना सही नहीं मानता, लॉजिकली मैं नहीं सही मानता, मेरे हिसाब से एंट्री पूरी तरह से सही नहीं, क्यों नहीं सर, मगर अमाउंट में तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, आपका बिल्कुल 100% सही है, गिरिराज ने बिल्कुल सही बात कही, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ू तो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करूं तो,
परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूं तो तीनों केस में ग्रॉस प्रॉफिट एब्सोल्युटली सेम आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। आप करके देख लेना, कोई भी क्वेश्चन। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, अगर आप अकाउंट में अच्छे होना चाहते हो ना तो आप रट्टाफिकेशन मत जाओ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ आप बैठ जाओ। अरे सर ने ये चीज कही, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या। अरे ठीक है यार, आधा घंटा ज्यादा लगेगा लेकिन दिमाग में तो बैठेगा। आप अपनी खुद अकाउंटिंग सोचने लगोगे, नहीं तो आप हमेशा मास्टर के पीछे रहोगे। आप मेरे से ज्यादा अकाउंटिंग नहीं सीख पाओगे। क्यों नहीं सीख पाओगे? आप हमेशा मेरे पीछे हो। मैं जो बता रहा हूँ उतना ही कर रहा हूँ, उसके आगे तो कुछ कर ही नहीं रहे अपने मन से। लेकिन आपको तो मेरे आगे जाना है ना, मेरे से ज्यादा अकाउंटिंग आनी चाहिए आपको। वो कब आएगी? जब आप खुद अपना दिमाग यूज करोगे। अच्छा चलो ठीक है, इसको ऐसे कर ले तो देखो तो सही, करके देखो तो सही, अच्छा कितना चेंज आता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट चेंज आएगा कि नहीं आएगा? सेम आया, हर सेम आ रहा है। अभी भी ग्रॉस प्रॉफिट सेम आ रहा है, अभी भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? दोनों ट्रीटमेंट में सेम आ रहा है। तो मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करोगे तो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करोगे तो, और परचेज में से लेस करोगे तो, ग्रॉस प्रॉफिट तीनों में सेम आएगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना सबसे सही ट्रीटमेंट है, rather than any of these two. इन दोनों के की बजाय क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना वो ज्यादा सही एडजस्ट ट्रीटमेंट है उसका। तो मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो ज्यादा सही ट्रीटमेंट है? सर क्योंकि उसे खरीद तो लिए हैं। सर क्योंकि उससे मैचिंग हो जाएगी अकाउंटिंग। नहीं यार, मैचिंग तो हो रही है यार, जब ग्रॉस प्रॉफिट सेम आ रहा है तो मैचिंग तो बन रही है। मैचिंग तो बन रही है। अच्छा आस्था, आपने ये कहा कि खरीद तो लिया। अच्छा आप ये मुझे बताइए कि जब ये गुड्स मिलेंगे तो इसी साल मिल जाएंगे कि अब अगले साल मिलेंगे? अगले साल मिलेंगे। तो मैडम जब अगले साल मिलेंगे तो अगले वो वैसे साल भी ओपनिंग स्टॉक में आएंगे। तो अगले साल का पिछले साल का एक परचेज अकाउंट हमारे पास अभी भी जिंदा है कि खत्म हो गया ये परचेज अकाउंट पिछले साल? खत्म हो गया। अरे इस साल का परचेज अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर खत्म हो गया। जब ये गुड्स मिल जाएंगे, अभी ट्रांजिट में तो थोड़ी रहेंगे, हमेशा ट्रांजिट में रहेंगे। अरे मिलेंगे ना, अभी चार दिन बाद आएंगे, दस दिन बाद आएंगे, हड़ताल टूटेगी, एक हफ्ते बाद आएंगे। जब आएंगे तब क्या करोगे? और तब तक तो नया साल स्टार्ट हो गया, तो क्या परचेज अकाउंट को डेबिट करके लिख दोगे क्या गुड्स इन ट्रांजिट? अब ये परचेज अकाउंट जब अगले साल जब आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे तो अगले साल का परचेज अकाउंट आ गया ना, वो पिछले साल का परचेज में से कम किया था आपने, अगले साल लिख रहे हो आप। ये क्या तरीका है? ये गुड्स तो पिछले साल के खरीदे हुए हैं और परचेजेस आप इस साल की बढ़ा रहे हो। या तो ठीक है, चलो कुछ लोग कह सकते हैं अरे ठीक है साहब, खरीदा पिछले साल था, हमने क्रेडिटर को पिछले साल क्रेडिट कर दिया, चलो बांध लिया। लेकिन गुड्स तो साहब हमें इस साल मिले तो हम परचेज इस साल के ले रहे हैं, ठीक है चलो वो भी ठीक है, वो भी लॉजिक सही है। चलो ठीक है, पिछले साल परचेज कम कर दो, इस साल की परचेज बढ़ा दो, क्योंकि माल तो इस साल मिला है, जब परचेज तो इसी साल हुई है, खरीदे थे पहुंचते पहुंचते दूसरा साल चालू हो गया, तो मैं परचेज इस साल की ले रहा हूँ, मान लिया। चलो ठीक है, एग्रीड, ये भी लॉजिक, चलो मान लिया। लेकिन वो कहते हैं कि क्रेडिटर हमने पिछले साल ही मान लिया था, क्योंकि जब खरीदा था हमने क्रेडिटर पिछले साल मान लिया था, लेकिन परचेज हमने इस साल की मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना ज्यादा सही। लेकिन हाँ, अगर इसमें कुछ लोग कह सकते हो साहब मान लीजिए, मान लो पहुंचा ही नहीं साहब, एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गया, ट्रक निकला पहुंचा तो था नहीं, आपने कहा क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दिया, हमने क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ के पिछले साल का सब प्रॉफिट निकाल लिया और ट्रक पहुंचे ही नहीं साहब, पलट गया या चोरी हो गया। अभी मैं एक वीडियो आज देख रहा था, मैं शॉक्ड, अरे भाई मैं चौंक गया यार, अमेरिका में भी ऐसा हो सकता है। एक वीडियो क्या था वो कि साहब वो लॉस एंजलिस के बाहर कुछ माल गाड़ियां जो वैगन ट्रेन से वो आती हैं, उनको लूट लिया जाता है। और कैसे लूटते हैं? वो ऐसे लूटते हैं कि उसके अंदर अमेजोन के और ये सब जो यूपीआई ये जो है ना ऑनलाइन डिलीवरी, इनके सबके पैकेट लूट के उसके पैकेट खोल के और सड़क पे ट्रैक पे फैले हुए इतना लूटर रखते हो। माय गॉड, मैंने कहा ये क्या है, अमेरिका जैसा कंट्री जो अपने आप को मान हिंदू मतलब क्या इतना डेवलप कंट्री मानता है, उस जैसे देश के अंदर ये कहानी है। और ऐसे लूट के उसको सड़क पे फेंके हुए पैकेट के पैकेट। मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो हिंदुस्तान है। सर उठा के नहीं ले गए क्या? हाँ
उठाकर नहीं ले गए क्या? और ले गए जो ले जा सकते थे वो ले गए भाई साहब, वो ले गए और उठा के ले गए, और जो नहीं ले जा सकते थे सड़क पे फेंक दिए, और उठा के ले गए और डब्बे सड़क पे फेंक दिए उसे, मतलब यूं। और इतने एक दो नहीं, बाप रे क्या दर्जनों में पड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या है, कौन सी यूट्यूब वीडियो थी? लॉस एंजलिस मैं देखता हूँ यार, वो पता नहीं क्या। इसे वीडियो का नाम बता दीजिए, हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे। नहीं मैं वो समझ गया, मेरे को पता नहीं वो दिखेगा। मैंने आज ऐसे ही मैं कुछ देख रहा था, वो दिखा, मैंने कहा यार ये देखूं तो सी क्या। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड, मतलब मैंने कहा। और वो आपको मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वो किस हिसाब से वो मतलब शॉक्ड में भी मतलब क्या है, मतलब ऐसा वैसा भी नहीं है कि कोई थोड़ा मोटा। हाँ मिल गया, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं अभी दिखाता हूँ आपको वीडियोस, आप देखिए क्या मतलब। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, दो मिनट रुके तो सही इसको, मतलब इट वॉज शॉकिंग। जस्ट अ मिनट ये चीजें निकल जाए, इसमें फालतू की जो भी दिखाई दी, एक सेकंड मैं दिखा रहा हूं। मतलब अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे हम, तो बिजनेस वाले भाई हम नहीं लूट रहे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमको अकाउंटिंग तो आनी चाहिए। ये थाउजेंड्स ऑफ लूटेड पैकेजेस लाइन ऑफ ये जो भी लॉस एंजलिस का, इसमें साउंड वाउंड क्यों नहीं आ रहा मालूम नहीं। ये देखिए आप पैकेज ऐसे फैले हुए सड़कों मतलब ट्रैक के पर, पैकेट के पैकेट। सर ये तो बिल्कुल इंडिया जैसा लग रहा है। नहीं आप चुप रहिए, इंडिया में ऐसा नहीं होता मैडम, आप बदनाम कर रहे हो इंडिया को। सर पहले होता था अभी। हाँ ये देखिए, ये देखिए आप सीन देखिए, आप कितनी लूट मचा रखी है ये। सर ऐसा लग रहा है पूरे रेलवे ट्रैक्स पे, मतलब दिस इज अमेरिका। ओ देखो ये क्या हालत है, देखो पैकेट फाड़ फाड़ के, माय गॉड, मतलब इट इज नॉट जस्ट वन टू और दिस, मतलब इट इज हॉरिबल हॉरिबल। आप देखिए आप ये मुस्कान जो है अमेज़न की क्या बन गई, उसकी स्माइल बेचारे की बिगड़ गई होगी। ये देखिए, दिस इज द वे थिंग्स हैव बीन लूटेड, दिस इज द वे थिंग्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर रास्ते में हमारा गुड्स को कुछ हुआ, तो क्वेश्चन इज क्या करोगे? तो फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर उसको हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर तो हमें आप उसको देखना पड़ेगा, वो डिस्प्यूटेड मैटर हो गया कि उसका नुकसान जो है वो सेलर बेयर करेगा कि हम बेयर करेंगे, और क्या करेंगे उसके हिसाब से एंट्री होगी उसकी जो भी होगा, या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डालो उसके अंदर, अब क्या करोगे, डालो उसमें लॉस बाय थेफ्ट। तो ये अलग अलग है रीजंस, खैर एनीवे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि चलो आप परचेज में से एंट्री कर दो उसकी, या फिर आप उसकी उसमें कर दो, क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से लेस कर दो। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना मैं उसको वाइज स्टेप वाइज ट्रीटमेंट नहीं मानता। या तो आप परचेज में से लेस कर दो, आपने परचेज को रिवर्स कर दिया और जब अगले साल मिलेगा तो परचेज को डेबिट कर देना, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट तो खत्म ही हो गया साहब। ट्रेडिंग अकाउंट को आप कैसे ठीक करोगे नेक्स्ट ईयर आप नहीं कर सकते उसको। बेटर ये होगा कि परचेज में से ले लो या क्लोजिंग स्टॉक में से, इन दोनों का ट्रीटमेंट ज्यादा सही। बाकी मैं आपसे कहता हूँ बुक्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्रेडिट किया गया है अलग अलग जगह पे, विच आई डोंट एग्री इज द करेक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, बट मैथमेटिकली आपकी बुक्स टैली होंगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, अप्रूवल सेल्स इज वन विच यू एड टू द क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन गुड्स इन ट्रांजिट इज द अदर वन विच यू एड टू द क्लोजिंग स्टॉक। और नहीं है तो इसको आप परचेज डेटर्स लेस होंगे ना इसमें अप्रूवल सेल्स में। हाँ मतलब ये जो ये तो होगा ही होगा मैडम, मैंने दो ट्रीटमेंट बताया, एक तो सेल्स लेस होगा और डेटर्स लेस होगा और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा, ये दो ट्रीटमेंट बताया मैंने। ओके, दोनों अगर क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा तो डेटर्स लेस नहीं होंगे फिर?
अरे होंगे ये दोनों ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है कि ये करना है कि ये करना है, ये दोनों ही ट्रीटमेंट करने हैं। इसके तीन जगह इफेक्ट आएंगे, इस एडजस्टमेंट के तीन जगह इफेक्ट आएंगे। एक तो क्लोजिंग स्टॉक, तीन, फिर वो मतलब हर चीज के जैसे दो इफेक्ट होते हैं तो तीन इफेक्ट कैसे? बस इसके हैं तीन इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है दोनों जगह आपको, बैलेंस शीट में भी और ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में भी, और सेल्स को लेस करना और डेटर्स को लेस करना। मिनिमम दो इफेक्ट है मैडम, मैक्सिमम दो नहीं है, मिनिमम दो इफेक्ट। एडजस्टमेंट्स के, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स के मिनिमम दो इफेक्ट्स। Did you get this? No. ये दो इफेक्ट वाली जो बात है, मिनिमम दो इफेक्ट है, नॉट मैक्सिमम। ओके सर, यस। ये तो गया लॉस एंजलिस का काम। हाँ अब बताइए आप, आपके डाउट्स क्या थे, नेक्स्ट वाले पे मैं आता हूँ। सैलरीज अमाउंटिंग टू रुपीज 1400 एंड रेंज अमाउंटिंग टू, और बताइए और क्या डाउट्स आ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स में, क्वेश्चंस में? मैनेजर कमीशन का बस यही कि आप एक बार सॉल्व करिए विदाउट मैनेजर कमीशन, फिर आपको खट्टे से दिमाग में खाली बैठ जाएगी बात। हाँ और क्या करें, पूछिए क्या करें, अभी तो इतने ही डाउट्स हैं सर। ठीक है, एनीबॉडी एल्स?